दिल्ली के कंझावला केस में छठा आरोपी आशुतोष दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। बताया गया कि आशुतोष की कार से ही यह हादसा हुआ था। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, छठा आरोपी आशुतोष गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि आशुतोष से ही बलिनो गाड़ी ली थी आरोपियों ने और उसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं, बकायदा चाबी सौंपते हैं आशुतोष को और उसके बाद आशुतोष फरार था। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है, किन लोगों ने आशुतोष को शह दी हुई थी, ये अभी पुलिस के जरिए बताया जाएगा जब उससे पूछताछ होगी तो किन किन लोगों के वो संपर्क में था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस मामले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आशुतोष दिख रहा है। एक आरोपी भी पहुंचता है वहां पर, आशुतोष से मिलता है। आशुतोष पर आरोप है कि उसने सबूत मिटाए हैं, इसी वजह से कल पुलिस ने धारा 201 भी शामिल की थी सबूत मिटाने के लिए, क्योंकि आशुतोष की बलिनो गाड़ी जिसका इस्तेमाल होता है और उसमें टायर पर खून के धब्बे थे, क्योंकि उसी पहले और आखिरी टायर पर खून के धब्बे मिले थे। हालांकि गाड़ी के अंदर कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसने सबूत मिटाए, गाड़ी को साफ करवाया इसी के आधार पर, और क्या क्या छेड़छाड़ आशुतोष की तरफ से की गई ये पुलिस अब खंगालेगी। लेकिन 7 आरोपी हैं, पहले इस मामले में 5 आरोपी बनाए गए थे, 5 पुलिस की गिरफ्त में हैं। कल दिल्ली पुलिस को इनकी 4 दिन की रिमांड और मिल जाती है। अब छठा आरोपी आशुतोष, क्योंकि इसी की गाड़ी थी और इसी ने आरोपियों की मदद की थी। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, आशुतोष की गिरफ्तारी काफी अहम है, कहां से आशुतोष की गिरफ्तारी हुई है, किन लोगों ने इसको शह दी हुई थी, इस बारे में कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से ही जो आशुतोष है उसे गिरफ्तार किया है। रोहिणी सेक्टर 1 का रहने वाला आशुतोष है, जो अपने परिवार के साथ वहां पर रह रहा था, किराए के घर में आशुतोष रहता है। आशुतोष से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अब सामने आए, जिसमें वो घटना के 2 घंटे बाद यानी कि 1 जनवरी को सुबह अपने घर से सफ़ेद टी शर्ट पहन के निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद उसने फिर से एक बार कपड़े पहने हैं और उसके बाद एक आरोपी ने उससे आके चाबी दी है उस बलोनो की, जो बलोनो आशुतोष की थी, आशुतोष के रिश्तेदार लोकेश की थी। आशुतोष ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, ये बताया कि गाड़ी दीपक चला रहा था। कल दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि गाड़ी दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था। इसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें जो है पुलिस को गुमराह करी और बताई नहीं। अगर कोई इतना बड़ा क्राइम हुआ है, कोई लड़की को इतनी बुरी तरह से घसीटते हुए 5 लोग ले गए हैं, तो ये तमाम चीज़ें आशुतोष को पता थी, उसके दोस्तों ने जब उसे बताई थी तो उसे पुलिस को सूचना देना था, ना कि आरोपियों की मदद करना या उन्हें छुपाने में मदद करना। इसी आरोप में आशुतोष को गिरफ्तार किया गया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी भी रिमांड ली जाएगी, क्योंकि पूरा घटनाक्रम उससे समझने की पुलिस कोशिश करेगी कि कितने बजे आरोपी आए, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी करते हैं और ऑटो लेके जो तमाम आरोपी हैं वो निकल जाते हैं। इस पूरे मामले में जो दीपक है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है, उसे भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि वो आशुतोष जो गिरफ्तारी के बाद दीपक जो है वो गाड़ी में नहीं था और दीपक अपने घर पर था, लेकिन उस पर भी आरोप है कि उसने आरोपियों की मदद की और उन्हें छुपाने में या सबूत मिटाने में उनका साथ दिया है। बिल्कुल, अब यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी हम दिखा रहे हैं कि व्हाइट जिसने टी शर्ट पहनी हुई है वही आशुतोष है। और आनंद, सवाल ये भी खड़ा होता है कि 31 दिसंबर को ये वारदात होती है, सुबह का सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं जब आरोपी चाबी सौंप रहा है, उसके बाद 5 दिनों तक आशुतोष कहाँ पर था, कहाँ पर लुका छुपी कर रहा था, ये भी एक अहम सवाल है। जुड़ेंगे आपके साथ आनंद, फिलहाल शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर है, हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कंझावला केस में छठा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो सफेद टी शर्ट पहने नजर आ रहा है, वो आशुतोष है, उसी ने बलिनो गाड़ी दी थी अपने दोस्तों को और उसके बाद जब ये घटना घटती है, अंजलि की मौत हो जाती है, उसके बाद आरोपी आशुतोष को बताते हैं और एक शख्स चाबी सौंपता हुआ भी नजर आ रहा है।